ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे परिवार की तरफ से आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी को प्यारे हैं मोदक, तो क्यों ना आज झटपट बनने वाले मोदक की रेसिपी देखा जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी। हमने सबसे पहले 1/4 कप घी लेना है और घी को थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर उसमें 1 कप हम बेसन डाल देंगे। बेसन को हमें अच्छे से भूनना है, भूरा होते तक हमें अच्छे से भूनना है और तब तक हमें अच्छे से चलाना है। इसे भूरा होते तक भूनने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। तब तक हमें ऐसे अच्छे से कंटिन्यूस चलाना है और गुठलियाँ बन जाए तो उसे हमें स्पून से ही फोड़ देना है। इसे चलाते वक्त हमेशा हमें गैस लो फ्लेम पे ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम फ्लेम बढ़ाएंगे गैस का तो इसे जलने का डर रहता है। और इसे हमें लाइट ब्राउन होते तक भूनना है। तो बढ़िया, इसमें घी कम पड़ रहा है तो फिर घी डाल देंगे। 1 स्पून उसमें घी डाल देंगे और अच्छे से हम फिर से चलाने लगेंगे। और हमें घी उसे भीगते तक हमें घी डालना है, बेसन में बेसन भीग जाना चाहिए। तो फिर से मुझे लग रहा है कि 1 टेबल स्पून घी फिर से लगेगा, तो फिर से हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। बढ़िया, और इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है जब तक कि सौंधी सौंधी खुशबू ना आने पाए। अभी खुशबू आना चालू हो गया मेरे घर में, सब सब जगह जो खुशबू है बेसन भूनने की वो फैल गई है। इस तरह से बेसन बहुत अच्छे से ब्राउन कलर का होते तक, लाइट ब्राउन कलर का होते तक उसे हमें भूनना है। बढ़िया, अब ये भूनने के बाद में फिर हमें एक थाली में इसे पलट देना है और रूम टेम्परेचर में हमें इसे ठंडा होने देना है। बढ़िया, इसे फ्रिज में नहीं रखना है। बढ़िया, इसे 8 से 10 मिनट लगते हैं ठंडा होने के लिए, तो इसे ऐसे ही ठंडा होने दें। ये मिश्रित ठंडा होने के बाद में आप इसके बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी भी बना सकते हैं। ये देखिए मिश्रित ठंडा हो गया, तो उसमें हम 1/2 कप उसमें पाउडर शुगर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हम उसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप ऐसे ही इसे बहुत बढ़िया लड्डू बनेंगे, लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। ऊपर से बस ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर दीजिए, रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है बेसन का। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। तो बढ़िया, मोदक मोल्ड को हम पहले घी लगा लेंगे अच्छे से, ताकि वो जब हम मोदक बनाएंगे तो वो अच्छे से निकलेंगे। बहुत बढ़िया, इस तरह से हमें फील करना है। बढ़िया, सब तरह से अच्छे से दबा के फील कर ले और इसे अच्छे से प्रेस कर ले, और एक्स्ट्रा का जो मटेरियल है नीचे ऊपर उसे अच्छे से निकाल ले। और ये हमारे बहुत ही खूबसूरत से देखिए मोदक हमारे रेडी है। तो फिर भगवान को अपने हाथ से झटपट बने हुए बेसन के मोदक का भोग लगाइए और खाइए, खिलाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।